मैं आपका शेयर करने वाली हूँ की मैं अपना फेशियल हेयर किस तरीके से रिमूव करती हूँ एंड उसका प्रोसेस क्या होता है वो हर एक चीज आपको शेयर करने वाली हूँ तो सबसे पहले मैं दो तीन चीजें क्लियर कर देती हूँ की बहुतों का लगता है की फेस फेशियल हेयर रिमूव करने का सिर्फ एक ही तरह है वो है वैक्स वो बिल्कुल गलत है तो यहाँ पे मैं आपके साथ दो प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ जिसके साथ मैं अपना फेशियल हेयर में हमेशा ऐसे ही यू नो रिमूव करती हूँ एंड ये रेज़र के साथ मैं अपना फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ एंड ये बहुत ही ईजी होता है आप आराम से कभी भी बैठ के अपना कर सकते हो एंड जिन लोगों को लगता है कि रेज़र यूज़ करने से आपकी स्किन पर कट लग सकती है या फिर फेशियल हेयर बहुत हार्ड आने लगते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ये सिर्फ मीत है ठीक है अगर आप वैक्स कराते हो तो वो आपकी मर्ज़ी लेकिन मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है मैं वैक्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा ये टेरेबल लगता है कि यार जब जो चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती है उसके लिए इतना पेन क्यों ही लेना एंड मैं इसको फाइव टू तो सेवन इयर्स से यूज़ करूँ एंड मुझे कोई भी ऐसी इरीटेशन फील नहीं होती है बल्कि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोई एंड बहुत ही क्लियर हो जाती है एंड अगर आप यूज़ कर रहे हो कोई अच्छा रेज़र तो आपके फेस पे कोई कट्स नहीं लगेंगे एंड आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो या फिर जो बिगनर है उनके साथ में ये चीज़ें शेयर करूँगी कि किस तरीके से आपको फेशियल हेयर रिमूव करना चाहिए एंड ये बहुत ही सेफ होता है इससे कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि फेशियल हेयर हार्ड आने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं ये सारी मिथ्स हैं एंड आप यूट्यूब पर तो भर भर की वीडियोज़ भरी पड़ी है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो तो यहाँ पर मैं अपना शेयर करूँगी तो या अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना तो फटाफट से हम करते हैं वीडियो स्टार्ट तो जो मैं आपके साथ फेशियल रिमूवर यूज़ करने वाली हूँ आपके साथ वो है सैनफिक का ग्लाइड फेस रेजर अनकवर योर मोस्ट रेडियंट सेल्फ फाइव इन वन है आप आईब्रोज अपर लिप पीच फर्स चिन हेयर और बिकनी लाइन भी इसके साथ आराम से यू नो आप यूज़ कर सकते हो तो इसमें जस्ट ना थ्री आते हैं इसमें थ्री रेजर्स आते हैं एंड ये मुझे बहुत पसंद है तो मैंने ना बहुत सारे फेशियल रेजर यूज़ किए बट मुझे सैनफी का ज़्यादा अच्छा लगता है और बॉम्बे टाइम का भी अच्छा है तो इसमें जो एक तो पहले ना इनका ना बहुत ही हैंडी है और इसको आप बहुत अच्छी तरीके से ना ग्लाइड होता है इसमें ना बहुत ही जीगजैक से बने हुए हैं जिससे कि आपका जो फेशियल हेयर जब आप करोगे ना तो कट्स बिल्कुल नहीं लगेंगे बहुत इजिली आप अपना हेयर रिमूव कर सकते हो बहुत ही ग्लाइड होता है अच्छे से एंड ईजिली कर सकते हो कोई डरने की जरूरत नहीं है कि कट लग जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप होता है कि आप अपना फ़ेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लें क्लीन किस तरीके से करना है आप चाहो तो वाइप से भी कर सकते हो कि जो भी डर्ट इम्प्यूरिटीज़ है वो सारी निकल जाए या फिर सबसे जो सेकेंड ऑप्शन है कि आप अपने फेस को ना अच्छे तरीके से वॉश कर लो माइल्ड फेस वॉश के साथ तो यहाँ पर मैंने ना फेस को वॉश कर लिया और मेक श्योर sure कि आपके फेस पर कुछ भी ना हो मतलब मॉइस्चराइज़र भी नहीं अप्लाई करना है ठीक है निक अप्लाई करना है तो यहाँ पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पे मैं चार मेसी का ना फेशियल शेविंग बाम यूज़ करने वाली हूँ ये टो टू इन वन है तो इसको क्या होता है इसको अप्लाई करके जब हम शेविंग करते हैं ना फर्स्टली बहुत इजीली सब कुछ निकल जाता है फेस पे अगर आपको लगता भी है ना एक परसेंट भी कोई हार्मनेस है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है स्किन काफ़ी अच्छी रहती है बहुत ईजीली आप ग्लाइड कर सकते हो आराम से एंड प्रेग्नेंसी के थ्रू ना मेरे फेशियल हेयर मेरे फेशियल हेयर आते क्योंकि मेरी बॉडी में हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है एंड जब से प्रेगनेंसी मेरे स्टार्ट हुई है ना तो मेरे चीन एरिया पर काफ़ी ज़्यादा हेयर्स आने लगे हैं तो आप जरूरी नहीं कि आप बाम ही यूज़ करो आप चाहो तो एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हो एंड काइंड ऑफ जैसे कि एक होती है ना वो जेली टाइप जेल जैसे पपाया जेल हो गया uh, 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 kind of, एंड उपटन जेल हो गया आप कुछ भी जेल अकॉर्डिंग टू योर स्किन आप यूज़ कर सकते हो तो मैं ये इसको यूज़ कर रही हूँ ये आप ना इसको अप्लाई करके शेविंग कर लो देन आप प्री पोस्ट भी इसको अप्लाई कर सकते हो तो इसलिए है टू इन वन प्री प्लस पोस्ट शेव इसके अंदर है एलोवेरा कुकुम्बर एंड नीम अगर आपको इसका भी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ये स्पेशली शेविंग के लिए ही है तो जस्ट मेरा फिनिश हो गया था ये सेकंड बॉटल है एक बार मैं इसको फाड़ के निकाल दूँ ना जेल काइंड ऑफ ही है तो मैं इसको हल्का सा अप्लाई कर लूँगी तो ये मैंने कर लिया अप्लाई एंड प्रेगनेंसी में मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा डार्क हो हो गई है बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है एंड मुझे कभी भी ना स्किन पे ना पिंपल्स एक्ने लेके कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी नहीं एंड अगर हुआ भी है ना तो स्किन केयर के साथ डील हो जाता है कि बहुत आराम से लेकिन इसमें तो पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा कि क्या ही क्योंकि तो मेरी जो एक्ने और पिंपल्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है एंड जब मैंने डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने मुझे बोला कि ये आपके प्रेगनेंसी की वजह से एंड जैसे ही आपका बेबी डिलीवर होगा तो वन टू तो टू वीक में ये हील हो जाएंगे देख सकते हो आप हाँ हो रखे हैं तो जस्ट ये जो रेज़र है आप देख सकते हो ये ना पूरा ऐसे ब्लेड नहीं है इसमें ना बहुत जिगजैक क्रॉस बना हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे तरीके से शेविंग कर सकते हो एंड मुझे लगता है कि बहुतों तो को ना नर्वस होती क्या मैं रेजर यूज़ करूँ फेस पे ऐसे हो जाए अरे कुछ नहीं होता मैं यूज़ कर रही हूँ फाइव टू तो सिक्स ईयर से एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा चलो तो फर्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ अपने यहाँ से क्योंकि मेरे यहाँ पे फेशियल हेयर सबसे ज़्यादा रहते हैं तो जस्ट वेट ओके आप चाहो तो इससे आईब्रो बना सकते हो लेकिन मैं अपने आईब्रो नहीं छेड़ती हूँ मुझे शेप का डर लगता है अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप चाहो तो इससे अपना आईब्रो डन भी कर सकते हो ईज़ीली लेकिन मुझे थोड़ा सा आईब्रो का अपना ना गाइज़ यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से वाइप्स कर लिया है एंड मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रही है बहुत ज़्यादा क्लीन लग रही है एंड ठंडा ठंडा सा लग रहा है तो मैं फटाफट -फड़ से क्या करती हूँ ओके जो ये प्रीपोस्ट मेरा ये है बाम इसको अप्लाई कर लेती हूँ उसके ढक्कर भी बहुत सारा लगा है। तो मैं इसको जिस ज़रा सा अमाउंट ही यूज़ करना होता है आप चाहो तो प्रीपोस्ट में मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो एलोवेरा यूज़ कर सकते हो जेल भी यूज़ कर सकते हो तो मैं इसको फटाफट से अप्लाई कर रही हो कि स्किन को ना सूदिंग कर देता है ठंडा ठंडा तो लगता ही है आप आराम से घर पर बैठ के मेरी तरह फेस रेजर यूज़ करके स्किन को अपनी अच्छी तरीके से ग्लोई बना सकते हो सैलून पार्लर में जाने की कोई जरूरत नहीं है और भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको अबाउट इट टू रिलेटेड टू फेस रेज़र तो यूट्यूब पे भर भर के पड़ा हुआ है आप जाके आराम से देख सकते हो कोई हार्मनेस नहीं है तो एंड प्रेगनेंसी में तो ये बेस्ट है तो जो भी प्रेगनेंट लेडी है अगर उनको लग रहा है कि तो कोई रिएक्शन हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ तो आप बेफिक्र हो जाओ आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो तो ये वीडियो कैसे लगी डू कॉमेंट एंड प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप यूज़ करो इसको आराम से यूज़ करो टाइम लेके यूज़ करो जल्दी जल्दी में हर बार में आपको कट आ सकते हैं तो बहुत ही रिलैक्स होकर अपना काम करना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एलोवेरा या कोई भी जेल लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए एंड उसके बाद आपको अच्छी तरीके से फेस को क्लीन करके मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है तो यह वीडियो आप कैसे लगी प्लीज कॉमेंट करके बताना इंस्टाग्राम का लिंक आपको हमेशा मैं बताती हूँ कि डिस्क्रिप्शन पर वहाँ जाएगा फॉलो कर लेना तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिलन बाय टेक के लव यू